कोरोना फाइटर्स जिन्होंने पूरे लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया, खुद घर के बाहर रहे ताकि लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित कर सकें। बारिश हो या धूप, कोरोना फाइटर्स ने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। इंदौर में अनादि टीवी ने ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस सम्मान कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे, जिन्होंने अनादि टीवी के इस कार्यक्रम की तारीफ की और कोरोना काल के अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान ही उन्होंने एम्बुलेंस चलाने वालों से लेकर सफाई कर्मियों, अंतिम संस्कार करने वालों, उन्होंने इस कोरोना काल में अपने सहयोग दिए, उन सभी को जिन्होंने अपना सहयोग दिया उन सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर अनादि टीवी के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु, नरेंद्र सिंह सोमवंशी, राजकुमार साबू मौजूद रहे। आपको बता दें, अनादि टीवी ने सबसे पहले जिन कोरोना फाइटर का सम्मान किया वो है स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अमित मालाकार, SI अनिला पाराशर, डॉक्टर AK द्विवेदी, राजू प्रजापति, सपना खत्री, डॉक्टर विनीता कोठारी, सुरेश वर्मा, सलमान पठान, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर वन्ना, अनिरुद्ध सिंह, मनीष दसानी। और इतना ही नहीं, अनादि टीवी के इस कार्यक्रम के सहयोगी रॉयल रतन, सच्चा मोती साबुदाना, नरेंद्र सिंह सोमवंशी, कोटिल्या अकेडमी, ओरो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, संस्कार सिटी, मिलेनियम, देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्योर शोर रहे। अटूट होता है, लेकिन जो हमारे साथीगण हैं, समाज सेवी हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर और अन्य लोग, ये असली फाइटर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है। लेकिन अभी हालात हमारे सामान्य नहीं है, हम सबको फिर से मिलजुल कर उसी प्रकार लड़ना होगा और इस महामारी को हराना भी होगा। प्रत्यक्ष हम लोगों ने काम करते हुए देखा है शंकर जी भाई साहब को, तो ये जिस तरीके से नेता नहीं कार्यकर्ता, उस तरह से आपने पूरे कोरोना काल में, उसके पहले तो कर ही रहे थे हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में ही भाई साहब को समझ पाए, लेकिन उसके पहले भी कर रहे थे। लेकिन इस टाइम जब सभी लोग छिप गए थे, नेताओं के लिए ये सूचना आ रही थी कि वो नेता है क्या, कहाँ है, ढूंढ रहे थे, उस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह शंकर भाई साहब ने जो काम किया है और उससे ऊर्जा पूरे शहर को तो मिली है, पूरे देश में भी हमारी एक छवि बनी है इंदौर की। मैं ऐसे सांसद को पाके, ऐसे भाई साहब को पाके हम अभिभूत हैं, हम उनका सम्मान तहे दिल से करते हैं, बहुत बहुत बधाइयां। यहाँ अभिजीत सिंह सभी को करुणा के योद्धा, जिन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपने सेवा के काम किए। लेकिन करोना जिस प्रकार से आया, किसी को यह नहीं मालूम था कि इससे कैसे लड़ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे प्रशासनिक टीम हो या कोई भी अन्य। और एक ऐसे समय आया कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर इस प्रकार से लॉकडाउन लंबे समय तक रहा, तो हमको भी पता लगा कि वास्तव में हमें जो इस कोरोना के समय जो परेशानी में है उनको मदद करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या थी मेडिकल स्टाफ के साथ कि किस प्रकार वो इससे लड़े, कि उस समय में देखा गया बॉम्बे का एक हॉस्पिटल भी बहुत माना हॉस्पिटल है, वहां पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट भर्ती हो गए, पूरे हॉस्पिटल को जब पेशेंट गए तो पूरे सैनिटाइजेशन कराया और दूसरे नए पेशेंट एडमिट होने में डाल रहे थे कि इसमें तो कोरोना के पेशेंट डर चुके हैं। और उस समय जो माहौल था हमने देखा कि भाई गली में किसी घर में अगर कोरोना का पेशेंट होता था तो पूरी गली दोनों साइड से सील करके गली गली लगा देते थे, पूरा मोहल्ला सतर्क हो जाता था। ऐसे माहौल में जब डॉक्टरों से डॉक्टरों को काम लेना, तो सबसे पहले उनका मोरल बूस्टअप करना। मुझे ध्यान है कि
थे जो घरों में चले गए थे, और बहुत ही नामी ग्रामीण डॉक्टर थे जो घरों से निकल मोबाइल ही करते थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को मोबाइल लगाया, समय आएगा तो भी बताऊंगा किन किन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिन्होंने इंदौर में जीते, इंदौर के कारण नाम हुआ पूरा प्रदेश देश में, उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे स्टाफ था जो डर के कारण आने रहता था, डर तो सबको लगता था, वो भी इंसान है सही बात है, लेकिन बहुत सारे स्टाफ आने रहते थे। तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि इस बीमारी को लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे जो पैरामेडिकल की फोर्स टीम है उसका पुस्तक करना। और मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर में ऐसा माहौल तैयार हुआ, हमारे सभी जितने भी डॉक्टर हैं जो प्राइवेट हों सरकारी हॉस्पिटल के हों सबने धीरे धीरे एक मोरल पुस्तक हुआ और वो काम करने लगता है। इधर में डॉक्टरों ने और नर्सों ने जिस प्रकार की सेवा कर की, बातों में वो भगवान से कम नहीं थे, मंदिर भले ही बंद हो लेकिन हमारे डॉक्टर मंदिर के रूप में हॉस्पिटल में जुड़े थे, बहुत सारे डॉक्टरों में। मैं चाहूंगा कि जब समय मिलेगा तो हम उसकी भी सूची बनाएंगे, उनका भी नागरिक अभिनंदन करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं, अभी सेवा में लगे हुए। हमने बड़ा कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, वो आए भी थे इंदौर में, उन्होंने सम्मान भी करा था, लेकिन सभी का भी करना प्रत्येक स्वरूप की जरूरत रहता है, कार्यक्रम हम बड़ा कर नहीं सकते, पर जब समय आएगा तो हम करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर जो था वो बहुत ही ऐसा भयानक व्यवस्था के सब भरे हुए थे, और किस प्रकार से काम करना धीरे धीरे हमने भी अनुभव आया, प्रशासन को भी अनुभव आया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर लड़ाई में हम सब ने मिलकर लड़े, और इंदौर में जिस प्रकार की मिसाल हम दे पाए, चाहे वो मजदूरों के पलायन हो और यहाँ से जा रहे हैं उनकी सेवा हो, डॉक्टरों की हो, अन्य होम आइसोलेशन हो, बहुत सारे उन्होंने काम किए। तो बड़ी इस बात की खुशी है कि पहले दिन से ही बाहर निकला था और आखिरी तक अभी तक मैं बाहर निकला हूँ। कभी मुझे यही डर नहीं लगा कि कोरोना है तो घर से मुझे, मेरा अपने घर में ही मेरा आइसोलेशन रूम बना रखा था, 4 महीने मेरा अपने आइसोलेशन रूम में रहता था, वही खाना आना रखता, वही नागर खत्म मेरी अलग एक्टिविटी होती थी। कभी मुझे डर नहीं, मेरे घर में 4 लोगों को पॉजिटिव हो गया है, पर मुझे लगा कि ये ऐसा समय है, मेरी टीम जो थी उनके बीचों भी कभी कभी ऐसा डर पैदा हो जाता था कि उनके रिश्तेदार में कोई पॉजिटिव आ जाता था तो उनके घर में निकलने नहीं देते थे, या उनके परिचित में कहीं किसी की डेट रहती थी इससे कम तो 2-3 दिन उनके घर से नहीं निकलते थे। पर अगर उनको बोलता था देखो आप सावधानियां रखो, और ये जो अवसर है सेवा का ये जीवन में फिर कभी नहीं मिलने वाला, आप कोई से भी काम कर लो लेकिन मन की संतुष्टि का भी आप बोलोगे कि 100 साल में हम देखा बोलते की महामारी आई थी, 100 साल बाद ये महामारी आई है, और इस समय जिन्होंने मुझे क्या रास्ता काम किया जीवन में फिर बहुत सारे काम किए, इस प्रकार सेवा का काम कोई मौका नहीं मिलेगा। तो रोज रात को हम पूरी कॉन्फ्रेंस करते थे, सबको पुस्तक करते थे कि सबने मिल के काम किया, और इंदौर के साथी थे कि हम साझा संस्कृति में शहर के रहते हैं, क्या कोई आपदा आती है और समय ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यह प्रत्येक स्वरूप है। मैं कार्यक्रम में जाकर मुझे अगली बार आऊँ तो उनका भी सम्मान करना, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, आप बताइए एम्बुलेंस के ड्राइवर 24 घंटे काम कर रहे थे, अब पॉजिटिव मरीज रोज हॉस्पिटल में लेके जाता था, हमारे घर वाले तो घर में रहते थे, जिनके घर में पॉजिटिव आ गया तो घर के अंदर ले जाते थे, वो एम्बुलेंस वाला उसको लेके मजा होगा, वो गांव का है जो उसको लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराता था, वो भी बधाई का पात्र है, वो सुविधा जो वहां काम करता था पॉजिटिव वार्ड में आईसीयू में, वो भी बधाई का पात्र है, और उससे ज्यादा वो भी बधाई का पात्र है जब किसी का अंतिम संस्कार होता था तो वो शमशान घाट में वो पॉजिटिव वार्ड में अंतिम संस्कार करता था। तो ऐसे बहुत सारी कड़ियां हैं जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है, लेकिन मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कोरोना में अपने जीवन दांव पे लगा के काम किया और सेवा का काम किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको धन्यवाद, आपने उनका स्वागत।